बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई और उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा क्या कर्म है, क्या हमारा धर्म है। यह पुस्तक लिखने में मुझे तमाम पुस्तकों का, तमाम विद्वानों का, तमाम धार्मिक पुस्तकों का, तमाम राजा महाराजा या जो पुराने लोग थे उन सब के पास जाना पड़ा देशभर में और उनके से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को बेस बना करके, उसी को आधार बना करके हमने पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं जनरल साहब का आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हमारी पुस्तक का विमोचन करें और विमोचन करने के साथ ही दो शब्द हम लोगों के लिए बोलें और क्षत्रिय समाज के लिए बोलें। इंदर जी, जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई है, काफ़ी आपने शोध किया है इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको पढ़ने में रोचक लगेगी, साथ साथ शौर्य गाथा के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने किस तरीके से क्षत्रिय वंश का पूरा एक इतिहास सबके सामने रखा है। अब तक सिर्फ एनल्स ऑफ राजस्थान करके जो किताब थी उसी को टॉड की, उसी को एक तरीके से आधिकारिक गाथा माना जाता है। उसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया है और आपके प्रयास के लिए जो उत्कृष्टता जो निकली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ये बहुत सभी के अंदर ये काफ़ी पुस्तक की डिमांड आएगी आपके पास और लोग बाग इसको लेंगे और अपनी गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जी सर, इस पुस्तक को लिखने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ही सारा इसमें प्रयास किया है, श्री शीतला प्रसाद को उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब का। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शीतल प्रसाद सिंह और सत्येंद्र सिंह जी ने क्षत्रिय वंश धरोहर माटी छताई कला की पुस्तक का प्रकाशन किया है। यह पुस्तक अत्यंत प्रेरणादायी और आने वाले कल में पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाली होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शीतल प्रसाद सिंह जी ने इस पुस्तक में क्षत्रिय वंश के जितने कुल हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। यह पुस्तक क्षत्रिय वंश के लोगों के लिए अपने कुल, कुल देवता और अन्य जो उनके वंश से संबंधित सामग्री है उनको पढ़ने और जानने का मौका उन्हें मिलेगा। मैं इस अवसर पर शीतल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में बहुत अनुसंधान किया है, देश भर में उन्होंने भ्रमण किया है और काफ़ी जानकारी एक ही स्थान पर संकलित किए हैं। यह करना अत्यंत कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी शीतल जी और उनकी टीम ने किया है, इसलिए मैं आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आगामी कृति भी आएगी, वह भी समाज का प्रेरणा स्रोत बनेगी और मार्गदर्शन करने के योग्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प सिंह चौहान से मैं अनुरोध करूंगा कि वे जनरल साहब के लिए दो शब्द बोलें। संकल्प सिंह चौहान सर जी, जरा कैमरा को ऐसे करिए कि आपका चेहरा दिखाई दे।
परम आदरणीय श्री जनरल वी के सिंह जी को इस पुस्तक क्षत्रिय धनोहर के विमोचन के लिए पूरे क्षत्रिय समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन। नमस्ते, मैं संकल्प सिंह। जब मैंने इस पुस्तक क्षत्रिय धनोहर को पढ़ा तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। आई वॉन्ट टू शेयर एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस बुक क्षत्रिय धनोहर। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान की भुजा से हुई है। क्षत्रिय मीन जो हमारे समाज में किसी भी क्षति से दूसरों की रक्षा करे। क्षत्रिय रिकॉग्नाइज फॉर देयर ब्रेवरी फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी। भगवान श्री रामचंद्र जी गौतम मुनि महान योद्धा महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान ये सभी हमारे क्षत्रिय वंश के महान धरोहर हैं। इस पुस्तक क्षत्रिय धनोहर में हमारे पूर्वजों के सौर व संस्कारों के विषय में लिखा है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है सूरवीरता तेज धैर्य युद्ध से न भंग दान सेवा शास्त्रानुसार पूजा का पालन करना ये सभी हमारे क्षत्रिय वंश के महान ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं। और अंत में मैं अपने नाना जी श्री शीतल प्रसाद सिंह जी को इस पुस्तक के लेखन के लिए और उनके समस्त परिवार को इस पुस्तक के विमोचन के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। सिर्फ यही कहूँगा छोटे से अवसर को सर ने एक ऐतिहासिक पर्व बना दिया। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मंगल कामना।